बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। नई पार्टी की बात को तेज प्रताप ने बताया अफवाह, कहा मेरी पार्टी आरजेडी थी और रहेगी। नई दिल्ली में चलेगी आंधी तूफान, प्रदूषण भी होगा चपेट में। पाकिस्तान 360 भारतीय कैदियों को छोड़ेगा। अब खबरें विस्तार से। पटना, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में आरजेडी से खुलेआम बगावत पर उतरे तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी है, थी और रहेगी। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि नई राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की बात यह अफवाह है और वह इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। बता दें कि हाल ही में तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाने का ऐलान किया था। नई दिल्ली, जबरदस्त गर्मी के साथ अब दिल्ली वालों पर प्रदूषण का अटैक भी शुरू हो गया है। शुक्रवार से हवा खराब होना शुरू हो गई है और 8 मार्च तक स्थिति लगातार बिगड़ती रहेगी। धूल की वजह से हवा में पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इस बार इन छोटे कणों से मास्क भी नहीं बचा पाएंगे। इसके साथ ही शनिवार को आंधी की संभावना भी जताई गई है। पाकिस्तान की तरफ से 360 भारतीय कैदियों को रिहा करने वाले हैं। मानवता के आधार पर उनको रिहा करने का फैसला लिया गया है। इन कैदियों को सोमवार 8 अप्रैल भारत के हवाले किया जाएगा, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है। इस मामले के बारे में ट्वीट करके ANIA वित्तीय संस्था ने बताया है, कुल मिलाकर 4 स्तर में कैदियों को रिहा कराया जाएगा। हर एक स्तर में 100 कैदियों का समावेश होगा। फिलहाल 8 अप्रैल को 100 कैदियों को पहले छोड़ा जाएगा, उसके बाद 14, 21 और 28 अप्रैल को बाकी कैदियों को रिहा किया जाएगा और भारत के हवाले किया जाएगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।